गुड मॉर्निंग, आज दूसरा दिन है और मैं पुष्कर भाई के साथ निकल रहा हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, और इसके बाद ये मुझे ड्रॉप करेंगे उस जगह पे जहाँ मैं अगले दो दिन रुकने वाला हूँ। पर्पज है एक कैंपिंग साइट को फाइंड आउट करना, ढूंढना। कल भी एक लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, आज जा कर के दो तीन और लोकेशन मैं देखने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं। पुष्कर भाई थैंक यू, आप मेरे को छोड़ने के लिए वहाँ तक जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, लीजिए, पहुँच गया हूँ मैं मंजिल पर और अगले दो या तीन दिन के लिए ये है मेरा ठिकाना, यहाँ मैं रुकने वाला हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर, क्या है और कैसी जगह है, कैसे होगा यहाँ पर रहने का। नीचे ये ढाबा हुआ करता था, ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर मुझे उस कमरे में लेके जाएंगे जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। थोड़ा ट्रिकी सी है ये, बड़ा बैग है ये, छोटा बैग है ये, है चाबियाँ। कमाल की ठंडक है अंदर, मैं तो अंदर घुसते ही इतना ठंड लग रहा है यहाँ पे, जैसे सनलाइटियाँ आती ही नहीं है कभी। याद है सतपुड़ा के जंगलों के बारे में हम सुना करते थे, जहाँ कभी रोशनी नहीं पहुँचती। ये बिल्डिंग भी कुछ ऐसी लगती, लगता है यहाँ कभी रोशनी पहुँचती नहीं है। सारे दरवाजे खिड़कियां मैंने खोल दी है, अभी लगता है थोड़ी देर बाद हो सकता है ये धूप जो वहां पर है इस वक्त होती हुई यहां तक पहुंच जाएगी, तब थोड़ा ये दीवारें ठंडी गर्म होंगी, पर अभी तो ठंडी ठंडी हवा बाहर से आ रही है। देखिए क्या सेटअप है, एक टेबल यहां लगी है, मैं इस पे बैठ करके अपनी वीडियो एडिट करूँगा। ये है वो चेयर और ये बाथरूम है, बाथरूम में लाइट का अरेंजमेंट अच्छा है, तो साफ सुथरा, लेकिन लाइट नहीं ऑन हो रही। एक गीजर लगा हुआ है, उम्मीद है चलता होगा, गर्म पानी मिल जाएगा मुझे। एक बल्ब है यहाँ पर, ये लाइट का कनेक्शन लगता है बंद है या लाइट ही नहीं है, कोई एक चीज़ तो है यहाँ पर। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस यहाँ रहने का। हाय एवरीवन, ठंड का बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड है, कहने को तो इस वक्त 4 बज रहे हैं, लेकिन देखिए मैं कांप रहा हूँ इस जगह पे। कुछ खा कर आता हूँ, मैं तो बस आया रजाई में लेट गया और सो गया, हाथ कांप रहे हैं ठंड के हमारे, क्योंकि धूप ही नहीं आती है। 1 बजे धूप आई और 3 बजे गायब हो गई, 3:30 के आसपास। अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता, लेकिन ये सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे रोड के उस तरफ एक छोटा सा ढाबा है, जा कर के कुछ खाने वाला हूँ। अब मुझे भूख लगी है तो रूम को करते हैं लॉक और चलते हैं कुछ खाने के लिए। सच में जो ठंडा इलाका होता है ये वही ठंडा इलाके में पहुँच गया मैं। देखिए हवा कैसे चल रही है, देख रहे हैं आप, पूरा हिलता है। ये जो जगह है ना जहाँ पर मैं हूँ, ये टनल की तरह है जहाँ से एयर क्रॉस होके आगे निकलती है, इसलिए इस वक्त यहाँ धूप हो या ना तो धूप आती नहीं है, और धूप आती है तो हवा चलने की वजह से धूप का पता भी नहीं चलता। कहाँ पर आऊँ मैं, इतनी ठंड मुझे कभी महसूस नहीं हुई जितनी इस जगह पर ठंड महसूस हो रही है। जगह देखिए, ये NH7 है जो आपको बद्रीनाथ वैली फ्लावर हेमकुंड साहब और जोशीमठ लेकर जाता है, और ये है वो पुल, और यहाँ पर हूँ मैं इस जगह पर। आप नोटिस अगर करेंगे ये पानी बह रहा है, इस पानी की वजह से ठंडक और बढ़ जाती है। ये पहाड़ है और ये दो पहाड़ हैं, और बीच में से ये पूरा एयर का क्रॉसिंग है यहाँ पर। पहली ही रात है और मैं यहाँ 2 दिन रहने वाला हूँ, तो मेरी तो वाट लग गई है भाई। चलिए कुछ खाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। सामने जी पहुँच गए, क्या हाल है दोस्त, खाने में क्या रखा है अभी, है तैयार? दोपहर को नहीं बनाया था, दोपहर वाला खत्म।
यार आपने फोन भी नहीं किया यार। भाई जी मैं पहले ही बोला आपको यहाँ आना पड़ेगा आपको, मुझे इतना टाइम मिल सकता। कोई बात नहीं, अभी कुछ भी नहीं है क्या? अभी तो कुछ नहीं, अब तैयार करेंगे सब कुछ। कितनी देर लगेगी? एक घंटा मिल जाएगा। चलो एक घंटे में कर दो फिर। चाय मिलेगी? एक कप चाय दे दो, तब तक उससे काम चलाते हैं। खाना तो तैयार है नहीं, इसीलिए एक घंटे के बाद आने के लिए बोला है उसने। तो अभी 5 बज चुके हैं, 6 बजे मैं वापस एक बार जाऊंगा खाना खाने के लिए। तो सोच रहा हूं एक छोटा सा ट्रैक कर लूँ 1 आवर का। तो मुझे पता चला है कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ मैं अभी रुका हूँ, इसके एग्जैक्टली बैक साइड पे जहाँ से ये वाटर स्ट्रीम बह रही है, उसी के साथ साथ आप चलते हुए जाएंगे तो वहाँ एक ट्रैक है। तो मैं अब शूज़ प्रॉपर टाई करके उस ट्रैक को करने वाला हूँ। ये है रास्ता जो उस तरफ जा रहा है, तो ट्रैक करके एक घंटे बाद मैं वापस आता हूँ। तब तक और भूख लग जाएगी, अभी एक कप चाय पिया है बस। देखिए इस तरह का रास्ता है और ये जो वाटर स्ट्रीम है, ये पाइप है कहीं जो पानी सप्लाई करती है। ये तो बह ही रहा है पानी यहाँ से, तो ये लीकेज यहाँ से है। तो ये जो वो पानी आप देख रहे हैं ना, ये उस पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड है जो उस होटल के नीचे से निकलती है जहाँ मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ। तो मुझे इसे क्रॉस करके शायद यहाँ से निकल के ऊपर तक जाना होगा, क्योंकि जो रास्ता बनाया गया था वो तो विजिबल है ही नहीं, और यहाँ से जाऊँगा तो पानी में मेरे शूज भीग जाने का डर है। मैं यहीं से इसे क्रॉस करने वाला हूँ। गुडनेस, यहाँ से जाना होगा या फिर वहाँ से जाना होगा है? मुझे पता चल ही नहीं रहा है रूट है कहाँ। ऐसी जगह से तो रास्ता ढूंढ के जाना भी मुश्किल है। देखिए किस तरह से रास्ते से होता हुआ इसी जलधारा के साथ साथ चलता हुआ मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ऊपर गांव में रास्ता शायद इधर से जाता है, क्योंकि ये तो नहीं लगता जाने वाला रास्ता मुझे, तो शायद यहीं से जा रहा होगा। कोई है वहाँ मैं उनसे पूछता हूँ। राम राम मामा। ऊपर गांव में जाने का रास्ता, ऊपर गांव है ना एक, वहां जाने के लिए ये रास्ता। हाँ हाँ हाँ, यह वाले से ठीक है जी। नहीं रहा तो मैं यहाँ नीचे रहा हूँ, बस थोड़ा घूम के आता हूँ। हाँ गांव में तक अंधेरा हो जाएगा, दूर है यहाँ से। अच्छा ठीक है, थोड़ा दूर तक जाके वापस आ जाता हूँ। उनका कहना है कि आप गांव तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, एक घंटा पास करना है मुझे, तो थोड़ा चल करके आ जाता हूँ। राइट, आज कुछ खास मेहनत की भी नहीं है, आया 1 बजे और सो गया, उठा अब तो कुछ तो करना बनता है। तो अंधेरा होने लगा है और ये रास्ता है जो जा रहा है आगे उस गांव की तरफ। मुझे इन दो पहाड़ों को बीच से क्रॉस करके आगे निकलना होगा, और ये एक रास्ता है जो यहाँ से जाता है ऊपर। यहाँ खेत हैं किसी के, मैं उनको देखने जाने वाला हूँ। और यहाँ पर भी एक रास्ता दिख रहा है आपको छोटा सा, ये देखिए यहाँ भी ऊपर मुझे किसी के खेत नज़र आ रहे हैं, मैं वो भी देखने जाने वाला हूँ। तो ये नज़दीक है, यहीं से मैं पहले शुरुआत करूँगा। ओके, ये जगह नीचे से देखने में लग रही थी प्लेन, पर एक्चुअल में तो सब स्लोपी एरिया है। वो है सामने पुल, ये पुल है, मैं यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा।
तो कहीं ऐसा भी उस जगह पे ना हो जाए। कोई जानवर मुझे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। मेरी दूर की आईसाइट थोड़ी वीक तो है पर ब्राउन सा कुछ है। तो यहाँ तो कोई खेत नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पहाड़ है। तो अब मैं वापस यहाँ से उतर के जाने वाला हूँ उस जगह पर। मैंने सही कहा था, कोई जानवर तो नज़र आ रहे हैं। और ये घोड़े हैं और ये इस तरह के खेत बनाए गए हैं जो खाली हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई फसल नहीं उगी है, सिर्फ ये घोड़े मुझे नज़र आ रहे हैं चलते फिरते हुए। एक दो दो चार दो छः घोड़े यहाँ पर हैं। तो ये एक अच्छी कैंपिंग साइट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए लेवल 1, 2, 3 लेवल 4 और 5 फाइव लेवल कैंपिंग यहाँ की जा सकती है। ऊपर से वो रास्ता है जो शायद इस गांव में जाता है, जिसको मैं उधर से क्लाइम करके जाने वाला था। और ये एकदम प्लेन है, आप देख रहे हो। बढ़िया कैंप साइट बन सकती है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 1, 2, 3, 4 टेंट्स यहाँ लगाए जा सकते हैं। अब मैं देखना ये चाहूँगा कि इस जगह पर सनराइज कितने बजे होता है। तो कल सुबह वापस आने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अंधेरा हो चुका है काफ़ी हद तक। सूरज छिपे हुए करीब करीब 40 मिनट हो चुके हैं। तो कल सुबह मैं आके सनराइज पे देखूंगा कि यहाँ पर सनलाइट मॉर्निंग टाइम पे आती है या नहीं आती है, बिकॉज मॉर्निंग टाइम की सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कैंप साइट के लिए। जो कैंप साइट मैंने कल आपको दिखाई थी, उस कैंप साइट पर 9:00 to 4:30 तक सनलाइट रहती है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये मून है, ये यहाँ पर ये मून राइज हो रहा है अभी। तो ये जगह वाकई खूबसूरत हो सकती है। अगर फुल मून नाइट है तो यहाँ पर आप बैठ के इवनिंग में या नाइट में मून देख सकते हैं और इस तरफ से सनराइज देख सकते हैं। सो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छी कैंप साइट कही जा सकती है। पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अभी तक क्रॉस चेक नहीं हुआ है, क्रॉस चेक करके बताऊँगा। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो होटल है, वो पुल है, वो गाड़ी जा रही है और बस वहाँ से यहाँ तक ही तो पहुँचना है। थोड़ी देर में आपको मून नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये दो छोटे पेड़ है, इसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ है। और मुझे लग रहा है सब फुल मून नाइट है आजकल, क्योंकि इतना बड़ा मून तो फुल मून नाइट में ही हो सकता है। सो समहाउ आई एम रियली रियली लाइकिंग दिस प्लेस। बस यहाँ से आप आएंगे लेवल 1, 2 और नीचे उतरे पानी के झरने के पास से होते ऊपर, और यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के पानी की शॉर्टेज है। इस तरफ से पानी बह करके आता है और इस तरफ से भी पानी बह करके आता है। बीच में ये जगह है, पहाड़ है, तो इन केस कभी अगर क्लाउड बस्ट होता भी है, तो मैं नहीं कहता कि क्लाउड बस्ट होना चाहिए, पर इन केस कभी अगर क्लाउड बस्ट होता भी है तो फिर ये पहाड़, बड़ा पहाड़ एक प्रोटेक्शन की तरह होगा। इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी जाएगा और ये रहेगी जगह एकदम सेफ। थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ, इस जगह को बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। और एक अच्छी चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ उस होटल में हवा निकलती है, पुल के ऊपर से हवा चलती है, यहाँ हवा नहीं चल रही है, या है तो कम है, क्योंकि इस पहाड़ ने एक प्रोटेक्शन दे रखी है अगेंस्ट विंड, है ना कमाल। 2 to 4 to 6 वन मोर, टोटल 7 हॉर्सेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक तीखी सी स्मेल है जो आपको जानवरों में से यहाँ आती दिखती है। मैं थोड़ा आगे जाके देखना चाहता हूँ कि यहाँ है क्या। यहाँ करके थोड़ा हवा महसूस हो रही है जैसे जैसे मैं इस टनल की तरफ बढ़ रहा हूँ। लगता है छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ से अंदर गए, वो छोटा सा एक कॉटेज की तरह है, ये शेड है हट का। ये मोटी मोटी वॉल्स हैं पत्थर की बनी हुई,
और ये छोटा सा रास्ता था अंदर जाने के लिए, एक ये है और एक इस तरफ भी है, ये यहाँ का दूसरा व्यू है। तो ये दो कमरे बनाए गए थे, खेत यहाँ पर भी हैं, ख़त्म ही होने का नाम ले नहीं रहे, बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर। सारी ठंड भाग चुकी है, थोड़ा थोड़ा हाथों में भी गर्मी है और सर पे और इधर पसीना भी आ गया। आई थिंक अंधेरा होने लगा है अब काफ़ी, इससे पहले कि मैं नीचे पहुंचूं और ज़्यादा लेट हो जाए मुझे चलना चाहिए। मुझे लगा पीछे से कुछ आया, ओह शिट, गूजबम्स आ गए। तो अभी मूनराइज देखेंगे और कल देखेंगे सनराइज सुबह उस तरफ या फिर उस पहाड़ के उस तरफ। लेट्स चेक। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मूनराइज दिखाऊंगा, अभी मैं वापस गया भी नहीं हूँ। और ये है देखिए किस तरह से खूबसूरत सा चांद उन पहाड़ों के पीछे से निकलकर सामने आ गया है, और बिल्कुल इसी की सीध में यहाँ इस पहाड़ के ऊपर है ये हमारी वो कैंप साइट जो मैंने आपको दिखाई। तो एग्जैक्टली मून व्यू, इवनिंग में मून नाइट आप इंजॉय करेंगे क्योंकि चांद यहाँ से निकलेगा एंड आई एम श्योर इस पहाड़ के पीछे नहीं छिपने वाला है, ऊपर से निकल जाए तो बहुत अच्छा है। आप दूसरे गांव में जा रहे हैं? नहीं, घोड़े हैं। हाँ, 6-7 घोड़े देखे मैंने ऊपर, उनको ही लेने जा रहे हैं। ओके ओके, यहीं ऊपर ये जो खेत है ना ऊपर यहाँ पर है, बहता हुआ पानी, ये वही रास्ता जहाँ से होकर मैं थोड़ी देर पहले गया था, वहीं से वापस आता हुआ, ये वही जगह है जहाँ पर मुझे वो लेडी मिली थी। देखिए हमारा उस होटल के बैक साइड की जगह है, नाइट में ये वो पुल है और मैं जा रहा हूँ उस ढाबे की तरफ खाना खाने के लिए। पहुँच गया मैं ढाबे पे। हो गया जी तैयार? कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।